कंगना का ट्रीटमेंट आज कौन करेगा? कल मेरी टर्न होगी। मैं कल कर दूंगा, आज कोई और कर दे। आज मैं कर दूंगा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमारी ट्रीटमेंट टीम कंगना की ट्रीटमेंट करने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रही है, ये जानने के लिए आपको कंगना की कहानी शुरू से सुननी होगी। कंगना को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी पिछली एक टांग पार्शली पैरालाइज हो गई थी। जब ताहिल जी और उनके दोस्त ने उसे कांगड़ा में ऐसी हालत में देखा तो वो उसे हमारे पास क्लिनिक ले आए। पहली नज़र में हमें लगा कि शायद वो एक शर्मीली और शान डॉग है और कुछ दिनों में घुलने मिलने लग जाएगी, लेकिन जल्द ही हम ये जान गए कि वो शर्मीली नहीं बल्कि डरी हुई थी। हर बार जब वो चलती थी तो उसकी टांग जमीन पे घिसती रहती थी और उसे और जख्म होते थे। ऐसी इंजरीज से बचाने के लिए हमें उसकी टांग एम्पुटेट करनी पड़ी। उसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। कई बार उसने हमारे टीम मेंबर्स को काटने की भी कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि सभी उसके पास जाने से हिचकिचाते थे। उसकी सर्जरी के बाद वो ठीक से चलने तो लगी थी, लेकिन उसके बिहेवियर में अभी तक कोई चेंज नहीं आया था। वो वैसा ही था जैसे वो डे वन पे थी। लोगों से दूर भागती थी, थोड़ा सा गुस्सा कर देती थी अगर उसे कोई छूने की कोशिश करता था। तो हमने ये सोचा कि चलो हम उसे एडॉप्टेबल्स वाली कैनल में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो बाकी कुत्तों के साथ थोड़ा घुल मिल जाएगी, तो शायद उसकी बिहेवियर में क्या पता चेंज आए। वो बाकी डॉग्स के साथ तो फ्रेंडली हो गई, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी। तो जैसे डॉग्स का ये नेचर होता है ना कि जैसे ही वो इंसान को देखते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं, अगर उनके हाथ में ट्रीट्स देख ले तो फिर तो वो उनके सामने बैठ जाते हैं। बट कंगना ऐसा कुछ नहीं करती थी और इसी वजह से उसका एनरिचमेंट भी नहीं हो पा रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरे पास नहीं आ रही थी। फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम उसका एक्सीडेंट होना या उसकी टांग की एम्पुटेशन होना नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि शायद वो एनिमल क्रूएल्टी या अब्यूज का शिकार हुई थी। यार बात सिर्फ इनिशियल अब्यूज या इनिशियल ट्रॉमा की नहीं है, हम लोग अपनी नासमझी में ना किसी की सिचुएशन बद से बदतर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अब्यूज या ट्रॉमा विक्टिम्स के आसपास कैसे बिहेव करना है। अब आप देखो ना, कोई व्यक्ति नर्सरी से छुई मुई का पौधा ले आता है, उसको छुई मुई के पौधे की समझ नहीं है, तो रस्ते में तो पौधा बंद हो जाएगा। अब वो लाया घर, उसने देखा जी इसके तो पत्ते बंद है, तो वो लगाया कि उसको झकझोरे पौधा जगे, उसका एक एक पत्ता वो खोले, जबकि उसको चाहिए कि सिर्फ वो पौधे को एक सेफ स्पेस में रख दे, उसको समय दे और वो पौधा अपने आप खुल जाएगा। यही हाल यार अब्यूज़ और ट्रॉमा विक्टिम्स का भी है भाई, हमें उन्हें सपोर्ट देनी है, हमें उन्हें स्पेस देनी है, हमें उनके मगर नहीं लगे रहना। पर हमारी गलती नहीं है, बात यह है कि ये सब एजुकेशन सिस्टम में तो हमें पढ़ाया नहीं जाता और ये सब सोशल डिस्कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। और होगा भी कैसे भाई, चार एक्टिविस्ट अगर अब्यूज ट्रॉमा या सोशल इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो बात हर किसी तक थोड़ा पहुंचेगी। मुझे एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति जिसके पास फोन है, जो अपने खाने की फोटो डालता है भाई चिकन 69 खा रहा हूं मैं, 65 खा रहा हूं, इंस्टेड वो जरूरी सोशल इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात कर सकता? अब वो हमारे हाथ में ट्रीट्स देखते ही दौड़ी चली आती है और शायद धीरे-धीरे हमारे साथ कंफर्टेबल भी होने लगी है। कंगना एक बहुत ही खास डॉग है जो एक ऐसे परिवार की हकदार है जो उसे अनकंडीशनली प्यार करे और उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, साथ ही इंसानों पर ट्रस्ट करने में मदद करे।